हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। आमतौर पे हम सभी लोग अपनी इच्छाओं को मांग समझते हैं, लेकिन वास्तव में अर्थशास्त्र की भाषा में ऐसा नहीं है। इच्छाओं और मांग में फ़र्क है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि मांग में भी परिवर्तित हो जाएं। इच्छाओं को मांग में परिवर्तित होने के लिए कुछ शर्तों का होना ज़रूरी है, उनका पूरा होना ज़रूरी है। फर्स्ट है इफ़ेक्टिव डिज़ायर, यानी कि किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण मांग, डिज़ायर फॉर ए कमोडिटी, उसकी हमें इच्छा हो। सफिशियंट सोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग दैट डिज़ायर, उस इच्छा को पूरा करने के लिए सफिशियंट हमारे पास सोर्सेज हों। अगर हम किसी वस्तु को ख़रीदना चाहते हैं, सपोज दैट हमें कार चाहिए या मकान लेना है, तो उसके लिए सफिशियंट सोर्सेज होने जरूरी, यानी कि धन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। विलिंगनेस टू यूज़ द सोर्सेज, हम उस सोर्स को यूज़ करने के लिए भी तैयार हों। अब ये नहीं कि हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम खर्च करना नहीं चाहते, तो भी वो इच्छा इच्छा ही रह जाएगी, वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज सर्टेन प्राइज, सर्टेन प्राइज मीन्स किसी निश्चित मूल्य पर, सर्टेन टाइम यानी एक निश्चित समय में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिमांड, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज प्राइस डिमांड, सेकेंड इज इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड जो किसी वस्तु के प्राइस पर निर्भर होती है, प्राइस के आधार पर उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है। देखते हैं, प्राइस बढ़ने पर किसी वस्तु की मांग घटती है और प्राइस घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ती है। हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित समय में विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को हम मूल्य मांग या प्राइस डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट है इनकम डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स, क्योंकि इनकम डिमांड है। इनकम डिमांड दो तरह की, इनकम डिमांड को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है फॉर सुपीरियर गुड्स एंड सेकेंड इज इन्फीरियर गुड्स। तो अभी हम देखते हैं सुपीरियर गुड्स, इनकम डिमांड फॉर सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स मीन्स अच्छी क्वालिटेटिव वस्तुएँ जो अच्छी किस्म की होती हैं, तो इसमें अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो वो घटिया किस्म की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि अच्छी किस्म की वस्तुओं का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। यानी इनकम के साथ साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ने पर लोगों की सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और इनकम घटने पर सुपीरियर गुड्स की डिमांड घटेगी। नेक्स्ट वन इज इनकम डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स यानी घटिया किस्म की वस्तुएं, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। इनकम, अगर लोगों की कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा होगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घटती जाएगी। अगर लोगों की इनकम, कंज्यूमर्स की इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। यानी इनकम के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, अपोजिट यानी निगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घटेगी और इनकम घटेगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। द नेक्स्ट वन इज क्रॉस डिमांड। अब हम देख सकते हैं प्राइस डिमांड, जो कि प्राइस से जिस पर फर्क पड़ता है। प्राइस डिमांड प्राइस से रिलेटेड है और इनकम डिमांड इनकम से रिलेटेड है। बट क्रॉस डिमांड ना तो उस वस्तु के प्राइस से डिपेंड करती है या ना ही कंज्यूमर की इनकम पर, तो क्या हो सकता है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, देखते हैं। क्रॉस डिमांड दो तरह की वस्तुओं से संबंधित हो सकती है, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप एक डायग्राम देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में अगर प्राइस बी के एक सॉरी अगर क्वांटिटी ए के कमोडिटी ए के प्राइस बढ़ते हैं तो कमोडिटी बी के क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है। यानी अगर प्राइस ए प्राइस ऑफ कमोडिटी ए इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी बी बढ़ती चली जाएगी। सपोज दैट हम यहाँ पर चाय और कॉफ़ी का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अगर चाय की प्राइस में इंक्रीजमेंट होगा, चाय के प्राइस लगातार बढ़ेंगे, तो लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, क्योंकि
पहले की अपेक्षा चाय महंगी लगने लगेगी और कॉफ़ी उसी रेट में है तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु की पूरक होती है, यानी एक के बिना दूसरी वस्तु हम कह सकते हैं वो अधूरी है। जैसे अगर हम बात करें कार और पेट्रोल की, तो कार चूँकि पेट्रोल से चलती है, अगर पेट्रोल की कीमत कम होती है तो हम कह सकते हैं कि कार की डिमांड बढ़ेगी। अगर लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहेगी तो कार की डिमांड थोड़ा कम हो सकती है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, देयर आर लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मींस देयर आर नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। When price increases, then demand decreases. Then when price decreases and demand increases. अगर किसी वस्तु के मूल्य बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड घटेगी, और किसी वस्तु के मूल्य घटेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।